दोस्तों, मेरा नाम आकाश कुमार कसेरा है। मैं पतंजलि में DSM था। मेरा एम्प्लॉय कोड 1800065203। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कुशवाहा इंटरप्राइजेज, हेडक्वार्टर बढ़नी सिद्धार्थनगर यूपी। मैं करीब 8 महीने से पतंजलि में काम कर रहा था। अचानक बिना कोई सूचना के मुझे निकाल दिया गया। ASM और ZM से पूछने पर कहा जाता है कि कंपनी में घाटे में है। मेरी 1 महीने की सैलरी रोक दी गई है और ये लोग 10,000 बोलकर 7,500 ही सैलरी दे रहे थे। अभी तक मेरी कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया, ना ही मेरी सैलरी स्लिप मिली है। इसी तरीके से पूरे देश में DSM को निकाला जा रहा है। अतः बाबा जी से मेरा निवेदन है कि उचित से उचित कार्रवाई की जाए और सभी DSM को फिर से ज्वाइनिंग कराया जाए, अन्यथा। नमस्कार दोस्तों, मैं बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम जयराम कुमार है, मैं लखीसराय बिहार का रहने वाला हूँ। मैं पतंजलि संगठन में ग्राम प्रभारी के रूप में पिछले 4-5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। बाबा रामदेव ने पतंजलि में सेल्समैन पद के लिए जून 2018 में पूरे भारतवर्ष में बहाली निकाली। राज्य के प्रत्येक जिला में 40 से 50 लोगों को बहाल किया गया, जिनमें से एक मैं हूँ। बाबा रामदेव ने इनकी सैलरी 8 से 15 हज़ार रुपये जिला कैटेगरी के अनुसार रखा। नियुक्ति की प्रक्रिया पहले उन्होंने 23 से 27 जून 2018 तक शिविर रखा। प्रत्येक उम्मीदवार से शिविर में 500-500 रुपये लिया गया, फिर लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, साक्षात्कार के द्वारा सफल उम्मीदवार को मार्केट में सीनियर सेल्स ऑफिसर के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। फिर बाबा रामदेव ने राज्यानुसार बिहार में 16 जुलाई 2018 को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम लोगों से सीधा संवाद किया। पतंजलि में काम करने वाले DSM अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन को बहुत सारी सुविधा देने का वायदा किया। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूँ। पहला, सभी DSM को अस्थायी नियुक्ति मिलेगी, ऐसा बाबा रामदेव ने बोला था। दूसरा, DSM के 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च पतंजलि निर्वहन करेगी। तीसरा, PF व मेडिकल सुविधा DSM को मिलेगा। चौथा, सेल्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले DSM को पतंजलि की तरफ से 4 धाम की यात्रा। पांचवा, 3-4 महीने बाद प्रमोशन। छठा, सेल के आधार पर इंसेंटिव। पूरे भारतवर्ष में युवाओं को नौकरी देकर 9 से 10 महीने काम करवाकर अपने किए हुए सारे वायदों को तोड़कर बिना किसी पूर्व सूचना के आधार पर नौकरी से निकाल दिया गया। ये है पतंजलि की हकीकत। स्वदेशी के नाम पर इनकी नीति विदेशी कंपनियों से भी गया गुजरा नीति है। आखिर बाबा रामदेव इस संदर्भ में मौन क्यों हैं? वे झूठ का सहारा लेकर हम लोगों को क्यों पतंजलि में ज्वाइन करवाया, जबकि कम सेल वाले चापलूस अभी भी मौजूद हैं? जातीयता, भ्रष्टाचार, झूठा प्रचार इनका दैनिक अभ्यास बन गया है। और नौकरी से निकालने के बाद फिर जब हम लोगों ने अपने सीनियर से एक्सपीरियंस लेटर की मांग की, तो उन्होंने इस संदर्भ में कोई क्लियर आश्वासन नहीं देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा करो, मैं ऊपर बॉस लोग से बात करके तुमको कंपनी का नंबर देता हूँ, लेकिन आज तक अभी तक उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अतः आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बाबा रामदेव तक मेरा ये वीडियो आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।